हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रेप। सो अभी मैं लगा रहा हूँ आरआरबी पीओ का गाइडली का मॉक नंबर 3। तो इसके अंदर मैंने कंप्यूटर और हिंदी को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं रीजनिंग और क्वांट लगाऊंगा। तो इसमें टाइम मेरा लगभग 35 मिनट का समय लगा था मुझे कंप्यूटर और हिंदी कंप्लीट करने में। अब मैं रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी लगाना इस मॉक को और बताना आपके क्या मार्क्स रहा, क्या स्कोर रहा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। सो यहाँ पर है 8% रिसीव्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ पेंशन। रीजनिंग ही है ना, ये क्या है, रीजनिंग है, मैथ है ये, रीजनिंग ही है। तो इसको बना लेता हूँ। 8 लोगों को अलग अलग पेंशन मिली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एम रिसीव्ड मोर पेंशन अमाउंट देन ओ बट लेस देन पी। एम के पास ओ से ज़्यादा है, पी से कम है। एस रिसीव्ड लेस अमाउंट देन एम। एस रिसीव्ड लेस अमाउंट देन एम। एम रिसीव्ड लेस अमाउंट देन एन। और एस रिसीव्ड मोर अमाउंट आर एंड टी। एस रिसीव्ड मोर अमाउंट देन आर एंड टी। अच्छा, आर और टी को मैं यहाँ रख देता हूँ। एज मैनी पर्सन रिसीव्ड मोर अमाउंट देन एस एज लेस अमाउंट ऑफ पी। तो एस से आगे और पी के पीछे सेम मैंने। पी रिसीव्ड लेस अमाउंट देन क्यू। टी रिसीव्ड 1500। टी को 1500 मिलते हैं, विच इज़ नॉट द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेंशन। तो टी यहाँ नहीं आएगा। द वन हु रिसीव द फोर्थ हाइएस्ट अमाउंट एज पेंशन 53। 1, 2, 3, 4, इसको 5300 मिलते हैं। टी यहाँ नहीं आएगा, हो सकता है टी यहाँ आ जाए। अगर मैं टी को यहाँ लेता हूँ तो फिर एस यहाँ आ जाएगा, और एस अगर यहाँ रहेगा तो पी आएगा, यहाँ पर आएगा पी, और पी के आगे मुझे क्यू रखना है, इसके पीछे मुझे आर रखना है, आर आ जाएगा। पी के पीछे रहेगा तो एस एम एम के पीछे मुझे ओ भी रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर एस रखता हूँ, एम ओ एम, एम के आगे एम, पी के आगे क्यू, टी और एस यहाँ पर आ रहा है, ओ एम के पीछे, पी ओ के पीछे, एम के आगे क्यू आगे है, एस के पीछे टी और एस, एस के आगे एम है, एम के आगे एन है। एन और क्यू का नहीं बता रखा है, वो रिसीव लेस अमाउंट देन है, पी रिसीव लेस अमाउंट देन क्यू। तो ये बन रहा है, टी यहाँ आ जाएगा, आर ओ एम पी, यहाँ पर एन और क्यू में से कोई एक आ जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द पे फर्स्ट इफ द रेशियो ऑफ द पेंशन अमाउंट रिसीव बाय क्यू एंड टी इज दिस। टी के पास 1500 है, बोलता है क्यू के पास और टी के पास में ये 5, 3। तो क्यू के पास कितना हो जाएगा, अगर ये है ना 5 है तो 3, 27 से 81 सौ। आर रिसीव्ड 1/4 ऑफ द पेंशन अमाउंट रिसीव बाय एम। तो एम का 1/4, तो 4 एकम 4, 1/4 है ना, तो 4 एकम 4, 13, 4 3 12, 10, 4 2 8, 7 20। तो इन दोनों का सम पूछा है, तो ये हो जाएगा 25 3 8 4 8 9 9 4 2 5। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेंशन अमाउंट रिसीव्ड बाय एम एंड एन इज 1700। एम और एन का जो पेंशन अमाउंट है वो 1700 है, यानी कि 5, 6, 7 हज़ार। एम का हो जाएगा 7 हज़ार। एंड द एवरेज ऑफ द पेंशन अमाउंट रिसीव बाय एन एंड ओ इज दिस। तो 0, 5, 10, 8, 16, 17, 18, 5, 10, 11। इसमें से 7,000 घटा दूँ, 0,074। वॉट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एस। ओ का 4700 है ना, तो एस का 4700 से कम ही रहेगा, तो 3300 हो जाएगा। नहीं, ये भी हो सकता है, सी और डी हो जाएगा। वॉट इज द पेंशन अमाउंट रिसीव्ड बाय एम। 5300 है एम की। तो चलो अब ये है, इसको मैं देख लेता हूँ क्या है, ये डेज वगैरह है ये, तो इसको देखते हैं बाद में। और देखते हैं पेपर क्या है। 10% जो है वो अलग अलग ईयर में जो है जाते हैं, एक्सपीरियंस भी रहेगा उनका। ठीक है, इसको देखेंगे।
उसके बाद में ये है वन और टू, डिजिट कहाँ है? अच्छा नीचे डिजिट है, इसको बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये है इसको मैं बाद में करूँगा। एट पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगल टेबल सच अ वे दैट वन पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर वाइल पर्सन मिडिल और लैंग्वेज भी लाइक करते हैं। ठीक है इसको मैं बना लूँगा। उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। एट बॉक्सेज वन अमाउंट द स्टैक ईच बॉक्स हैज डिफरेंट चॉकलेट्स। ठीक है ये है ब्लड रिलेशन। एट पर्सन आर सिटिंग अराउंड द रेक्टेंगल टेबल इक्वल डिस्टेंस सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। ठीक है ये स्टेटमेंट वगैरह ये तो मैं करता नहीं, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। अगर पकड़ आ जाए तो डेज है यहाँ पर 61, ये सब है, लास्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। सो 12 23 36 47 61 नंबर तो बढ़ते हुए लिखा जा रहा है। इनपुट है मेरा आर एम 54 सी 15 67 के 25 वाई और 41। तो आउटपुट मेरा होगा क्या होगा? आउटपुट सबसे पहले सबसे छोटा नंबर तो 15, उसके बाद में सबसे बड़ा आर एम सी के वाई वाई आ जाएगा। तो पहले 15 और 25 15 25 41 54 और 67 वाई आ जाएगा, उसके बाद में आर पी क्यू आर आ जाएगा, उसके बाद में एम के और सी आ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है तो सबसे पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, 12 जो है उसको लेकर आना है, और 12 को लेकर आया मैं यहाँ पर और टी को लेकर आया मैं यहाँ पर। ठीक है तो 12 का मतलब मुझे 15 को लाना है यहाँ पर और वाई को लाना है यहाँ पर, तो 15 गया और वाई गया, बाकी आर एम 54 सी 67 के 25 40। उसके बाद में मुझे 12 को यहीं रखना है, 23 और एस को लगाना है, तो 15 और वाई को ऐसे ही रखना है और 25 और आर को लगाना है, 25 और आर, तो आर गया और 25 गया, एम 54 सी 67 के 41। उसके बाद 15 ऐसे ही वाई ऐसे ही 25 आर 15 वाई 25 आर, ये तो ऐसे ही रहेंगे। या गया इसके बाद में मुझे 41 और एम को लगाना, 41 गया और एम गया, तो 54 सी 67 और के, अब 41 और एम कॉपी हो जाएगा और फिर आ जाएगा 54 और के, 54 गया के गया, अब सी और 67 बचेगा। उसके बाद में फिर ये तो एज इट इज रह गई और यहाँ पर मुझे 67 और सी बना। व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 25 और थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप टू 1 2 3 67। 7 5 12 का बाहर से लगी 4 2 8 9 92 आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट मतलब ये दूसरा नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 फोर्थ इसके नंबर और वर्ड सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट में एम है, एम आ जाएगा एम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 25 एंड के इन स्टेप टू। 25 स्टेप टू के अंदर 25 के बीच में और के मिडल एग्जैक्टली बीच में कौन है? तो 54 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 67 कार इज ऑब्टेन इन द सेम सीक्वेंस। 67 कार यही है, लास्ट में ही आएगा 67 कार,
कौन सा स्टेप है? पांच नंबर स्टेप। ठीक है, ये है थोड़ा सा इसमें नंबर वंबर का रहता है, करूँ क्या इसको? होता है नंबर ऑफ पर्सन जॉइन बिटवीन की वाइज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जॉइन बिटवीन डब्ल्यू एंड पी वाइज वन सिक्स। चलो इसको ट्राई करते हैं। 10% जो है वो ए बी सी है, 1991, 1993, 1996, 1998, 1999, 2005, 2008, 12 और 15। 10 लोग आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कितने 23 साल से हैं, 23 साल का मतलब हो गया 2023, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 साल, 12, 22, 23, 11 साल, और ये 4 का गैप है तो ये 15 हो जाएगा, 18, 19, 20, 22, 23, ये 3 का गैप है तो ये 18 हो जाएगा, फिर ये 3, 4, 5, 2 का गैप है तो ये 20 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 4 का गैप है तो ये 24 हो जाएगा, 1 का गैप है तो 25 हो जाएगा, 2 का गैप है 27 हो जाएगा, 3 का गैप है 30 हो जाएगा, ये कितने का गैप है? 1, 2, 3, 2 का गैप है 32 हो जाएगा। Y joined 6 year before W, 8 और 6, 14, 11 और 6, 17, 15 और 6, 21, 18 और 6, 24, Y joined before W, Y joined 6 year before W, 26, 20 और 6, 26, 24 और 6, 30, 25 और 6, 31, 27 और 6, 33। ओनली 2% ज्वाइंट बिटवीन W एंड X, तो 1, 2 X यहाँ भी आ सकता है, 1, 2 X यहाँ भी आ सकता है, W और X के बीच में 2% है ना, तो 2%, तो 1, 2 X आ जाएगा। यहाँ मैं ले ही लेता हूँ उसको, यहाँ पर X को मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर मैंने X को W और X के बीच में यहाँ ले लिया। द डिफरेंस बिटवीन joint year of x and q is 7 year, the number of person joined between w and a, x और q का जो है gap वो 7 साल है, x अगर यहाँ पर है 25 और 7, 32, और 25 में से 7 जाएंगे तो 18, तो यहाँ तो आ नहीं सकता ही, तो ये ऊपर आ जाएगा। x यहाँ पर है 15 और 7, 22, पॉसिबल नहीं, 8 और 7, 15 यहाँ आ जाएगा, तो x यहाँ पर है तो 8 और 7, 15 ही होता है। The number of person joined between Q and Y is one more than the, लिख लेता हूँ, Q और Y के बीच में जो बनते हैं one more than the number of person joined between W and P, W और P के बीच में X है ना, the number of person joined between Q and Y is one more than the number of person joined between W and P, तो Q और Y के बीच में 2% है तो W और P के बीच में 1 ही % होगा, यह है W और P, Q और Y के बीच में 2%, Q और Y के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% है तो W और P के बीच में 6% होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हटा देते हैं। Q और Y के बीच में 1, 2, 3% है तो W और P के बीच में 2% होंगे, 1, 2, 1, 2, P आ गया। द सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ P एंड V इज 38 ईयर ओल्ड, P का ये है तो 38, 8, 8, 16, 46 होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ तो, नहीं 38, तो 30 हो सकता है V का 30 होगा ना, अब इन दोनों का एडिशन जो है वो 38 हो जाएगा, हाँ P और V का 38 हो जाएगा, यहाँ पर P है 11 और 38, 27 है क्या वहीं पर, V हो गया 38 हो गया। नोबडी जॉइंड बिटवीन W V एंड R, वो डिड नॉट जॉइन इन एन ऑड नंबर ईयर, V और R साथ में और R जो है वो इवन नंबर ईयर में है। The number of person joined between U and Y, U और Y के बीच में है वो वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जॉइंड बिटवीन T एंड T, U और Y, P और T, P और T के बीच में 2 बंदे तो U और Y के बीच में 3 बंदे, 1, 2, 3, ये बन गए, P और T के बीच में 2 बंदे, U और Y के बीच में 3 बंदे, 1, 2, 3, ठीक, तो ये बन गया मेरा, यहाँ मेरे को P, Q, R, S, ऐसा है। चलो, हाउ मेनी पर्सन आर ज्वाइन बिटवीन Q एंड R,
क्यू और आर के बीच में 1 2 3% ज्वाइन करते हैं, तो मैंने 3 लिख दिया। अच्छा ये भी चेक करते हैं, एज मैनी बिटवीन यू एंड वाई 1 2 3, यस ये भी सही है, तो बोथ आ जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डिड नॉट ज्वाइन बिफोर वी, वी के पहले कौन नहीं है, यू और एस तो है, एक तो टी नहीं है, और 2003 में ये भी नहीं है, 2% आफ्टर क्यू ये भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। डिड नॉट ज्वाइन बिफोर वी, तीनों ने ही ज्वाइन नहीं किया बिफोर वी, और डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप निकालना है यू एस आर एक्स डब्ल्यू, यू एस आर एक्स डब्ल्यू, एक्स जो है वो 15 में है, डब्ल्यू 5 में है, आर 98, एस 93, तो आर जो है वो इवन नंबर में आ रहा है। ऑल द पर्सन आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम 1991, रिवर्स का मतलब है कि इधर से मैं पी क्यू और सेम निकालना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक देना बस, ठीक है इसको मैं छोड़ता हूँ, इसको बनाता हूँ, इसको भी इस डब्बे से बना सकते हैं, ये डब्बा रहता है ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, अरे मच्छर। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब ये आ जाएगा ए इज लेस देन बी एंड आ जाएगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो या फिर लेस और इक्वल टू हो सकता है, तो ये आ जाएगा, और ए इज नॉट लेस देन बी हैशटैग नीदर वाले में यहाँ आ जाएगा डॉलर, ठीक है। एफ से मुझे जे जाना है, एफ कहाँ है, ये रहा एफ से जे जाने के लिए मुझे एफ से डी जाना पड़ेगा, डी से जे जाना पड़ेगा, एफ से डी के लिए हैश टैग एट द रेट डॉलर, तो एट द रेट मिल जाएगा, और फिर डी से जे जाने के लिए मुझे और परसेंटेज आ जाएगा, तो ऊपर नीचे की चीज़ें आ जाएगी, पहला गलत हो जाएगा। डायरेक्ट एच और एम जाना है, एच से एम जाने के लिए मुझे एच से डी जाना पड़ेगा एट द रेट, और डॉलर से एट द रेट आ जाएगा, और डी से मुझे एम जाना है एट द रेट ही आना चाहिए था ना, एच से डी, डी से एम, एट द रेट नहीं आती यहाँ तो कुछ एंड आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग, नीदर। एम से मुझे ए जाना है, एम की तरह ये रहा एम, एम से मुझे ए जाना है, उसका मतलब मुझे बी, एम से बी जाना पड़ेगा, तो एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, तो एट द रेट आ जाएगा, और फिर बी से मुझे ए जाना है, तो एंड और परसेंटेज है, एंड और परसेंटेज, तो ये रिवर्स होकर के तो एट द रेट ही आएगा, तो पहला सही हो जाएगा। डी से टी जाना है, डी से टी जाने के लिए मुझे डी से पहले एल वी पी और बी जाना पड़ेगा, मुझे डी से बी जाना पड़ेगा, बी से मुझे बी जाना पड़ेगा, और बी से मुझे टी जाना पड़ेगा, तो डी से मैं पहले बी जाता हूँ, तो एट द रेट परसेंटेज, और एट द रेट परसेंटेज, तो एट द रेट परसेंटेज वैसे ही ऊपर नीचे वाली चीज़ें आ गई, तो ये गलती हो जाएगी, ओनली वन इज करेक्ट। जी से पी जाना है, जी ए रहा, जी से पी जाने के लिए जी से मुझे एम जाना पड़ेगा, एम से पी जाऊंगा, तो एट द रेट और परसेंटेज है, एट द रेट परसेंटेज फिर से ऊपर नीचे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। पी से के जाना है, पी से के जाने के लिए मुझे पी से एस जाना पड़ेगा, एस से के जाना पड़ेगा, तो डॉलर और परसेंटेज, डॉलर और परसेंटेज, तो ये रिवर्स होके ये आ जाएगा, और एस से मुझे यहाँ जाना है, तो डॉलर और एट द रेट, तो एट द रेट आ जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 8% आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट 1%, एक मिनट में रेक्टेंगुलर टेबल 1% सिट एट ईच कॉर्नर वाइल ओके अदर पर्सन सिट एट द मिडल, तो ये मैंने बनाया, ये अच्छी बना रहा है, इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। कॉर्नर वाइल 1% से ऑल ऑफ द यूनिवर्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सब सेंटर में देख रहे हैं, चलो बढ़िया। ईच पर्सन कुछ लैंग्वेज भी बोलता है। 2% सिट बिटवीन डी एंड द वन हु स्पीक तमिल, वेयर डी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, तो डी को मैंने मिडल में बिठा दिया, डी और तमिल के बीच में दो लोग बैठे हैं, एक दो, ये आ गया तमिल, यहाँ मैंने तमिल यहाँ बिठा दिया, एक दो,
एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बोथ ई एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, ई और बी एक दूसरे को फेस करते हैं। द वन हु स्पीक तेलुगु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ पे आ सकता है। The one who speak Marathi sits third to the right of the one who speak Urdu, and neither of them sit adjacent to speak Telugu. He speak neither Urdu nor speak adjacent to G. As many persons between the one who speak Tamil and Marathi, therefore see the one who speak French sit fourth to the right of A, immediate left of the one who speak D. H sits second to the right of B. Both E and B are facing each other. E और B जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ई और बी या तो यहाँ बैठ सकते हैं या फिर यहाँ बैठ सकते हैं। द वन हु स्पीक तेलुगु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अगर मैं ई को यहाँ बैठा तेलुगु तो ई यहाँ तो आ नहीं सकता, ई यहाँ आ सकता है और बी आ सकता है यहाँ, तो तेलुगु बोलने वाला यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन तो ये है। The one who speak Marathi sit third to the right of the one who speak Urdu, when neither of them sit adjacent to one who speak Telugu. He does not speak Urdu nor sit adjacent to G. ये जो है वो उर्दू नहीं बोलता है। The one who speak Marathi, इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, फंसाएगा ये। Eight person are sitting around a circular table. पहले मैं सिंपल सिंपल कर देता हूँ। फेसिंग द सेंटर, यहाँ पर ए के सेकंड लेफ्ट में वन, टू पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में दो बंदे बैठे हैं। जी सिट टू द राइट ऑफ एच, वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स, सी और ई के बीच में एक जना बैठा है और ए और ई इमीडिएट नेबर्स हैं, तो ए और ई यहाँ हो सकते हैं और वन पर्सन सिट बिटवीन, तो इससे मुझे कुछ अता पता नहीं चल रहा, ए और ई यहाँ भी हो सकते हैं, ए और बी यहाँ भी हो सकते हैं, तो पहले से तो कुछ पता नहीं चला। वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में भी एक पर्सन बैठा है, सी सिट अपोजिट टू एफ, सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, इससे भी पता नहीं चल रहा है, दोनों मिला के देखता हूँ। वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो यहाँ भी यही आएगा जी एंड डी का एक पर्सन, सी सिट अपोजिट टू एफ, सी सिट अपोजिट टू एफ, सी और एफ यहीं आने वाले, तो फिर ए और ई कहाँ आएगा, तो यहाँ पर मैंने डी को बिठा दिया और सी और एफ नहीं आने वाले हैं, तो ए एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स, ये रहा वन पर्सन से जुड़ी ई एंड सी, ई ए और सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, सी और डी इमीडिएट नेबर नहीं है, ये आ गया, तो बोथ से बन जाएगा, बोथ 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 बोथ। सेवन पर्सन आर गोन ऑन डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। क्यू वाज, आपको बताना है, हु वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर यू, क्यू वाज बोर्न थ्री डेज बिफोर बी, हु वाज बोर्न आफ्टर फ्राइडे, बी जो है वो फ्राइडे के बाद में, क्यू वाज बोर्न थ्री डेज बिफोर बी, बी बोर्न टू डेज बिफोर क्यू, S was born immediately before R. S जो है immediately before R है. And U was born 2 days after T. U was born 2 days after T. यहाँ तो possibility नहीं है, ये बन गया, तो पहले से निकल जाएगा। R was born before Wednesday. R का जन्म Wednesday से पहले हुआ। Only one person born between R and U. U आ गया, U आ गया। P was born 2 days after U. P was born 2 days after U. V was born immediately before Q. यहाँ तो possible नहीं है। V was born immediately before Q. Only two person born between Q and T. एक तो T आ गया, ये भी आ गया, both. Either or से चल जाएगा काम। Either or, either one or either. और statement either one or two. There are seven members in the family. Two are married. P is the father-in-law of T. U is the son of S. Who is married to P. V is the brother of R. R is the daughter of Q. Who has only एट बॉक्सेस आर कीपिंग वन अबव अनदर और यहाँ स्टैक भी दिया हुआ है, ठीक
बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स भी होंगे पास में, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ या इसको रोकता हूँ। और क्या है, 8% सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस ईच अदर, वेयर सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। इसको ट्राई करता हूँ। 8 लोग जो है वो सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए। 2% सिट बिटवीन बी एंड डी, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, वेयर बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो ई मैंने यहाँ ले लिया। 2% सिट बिटवीन बी एंड डी, 1 2 बी बी, और जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स। मैं 2 और ले लेता हूँ। ये दोनों इनसाइड है, ये दोनों आउटसाइड। तो इसको मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ, इसमें मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ। जी जी सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स, जी और ए इमीडिएट नेबर्स हैं, ये जी और ए नेबर्स हो गए, जी एंड ए आर इमीडिएट नेबर्स। डी सेट्स अपोजिट टू ए, वेयर बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एक और था कि बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, जी और ई की डायरेक्शन अपोजिट है और डी और ए की डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो जी ई अगर अंदर देख रहा है तो जी बाहर देखेगा, ई बाहर तो जी अंदर, ई बाहर तो जी अंदर, और ई अंदर तो जी बाहर। डी और डी सेट अपोजिट टू ए, ये डी आ गया, ये डी आ गया, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। डी सेट अपोजिट टू ए, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में जो बंदे हैं वो 1 less than है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी। वैन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ ई एंड ए, ई के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में। एफ से स्टार्ट टू द राइट ऑफ सी, अच्छा एफ कुछ इस तरह से बैठा होगा। एफ नीदर सेट एडजेसेंट टू डी नॉर फेस द सेम डायरेक्शन एज सी, एफ और सी की डायरेक्शन अलग है, एफ डी के साथ नहीं बैठता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस द सेम डायरेक्शन, एच के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन रखते हैं। और क्या है, एच डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एच जो है वो इन साइड देखता है, ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ तो एक दो एफ पॉसिबल है, सी एक दो एफ पॉसिबल है, सी और एफ यहाँ आ जाएगा, एफ और डी जो है वो साथ में नहीं बैठे, ठीक है। एक बार मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ, एफ को यहाँ बैठा, डी और ई के बीच में जो बंदे बैठे हैं लेफ्ट ऑफ ई से देखने पर 0 है, तो ए और सी के बीच में एक जना बैठेगा, ए और सी के बीच में एक जना बैठेगा, और ए के लेफ्ट से देखने पर ऐसा है। अगर सी यहाँ पर बैठा है तो एफ को यहाँ बैठना पड़ेगा सी के राइट में, एक दो तीन, अच्छा एफ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। एफ और डी साथ में नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, एच एच जो है वो इनसाइड देखता है, एच के दोनों तरफ सेम डायरेक्शन है, ठीक है। एफ और सी अपोजिट डायरेक्शन है, तो सी अंदर है तो एफ बाहर देखेगा, सी अंदर है तो बाहर देखेगा। और क्या है, डी डी और ए अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, डी अंदर तो ए अंदर तो डी बाहर देखेगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शन रखते हैं तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बन गया है, यही बनना चाहिए। यहाँ इन और आउट, आउटसाइड में 1 2 3, 1 2 3, 4 आउटसाइड, 4 इनसाइड। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, 1 2 ई आ जाएगा। ई का मतलब है द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये सही है। डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप है, सी एच ई एफ ए, सी जो है वो अंदर देख रहा है, एच अंदर देख रहा है, ई अंदर देख रहा है, एफ बाहर देख रहा है, ए अंदर देख रहा है, तो एफ आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 4, 4 पर्सन बैठे। ऑल द पर्सन आर सिटिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनचेंज्ड देयर पोजीशन, ए से ना ए बी सी डी ई एफ जी एच ए एम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेकंड पर्सन सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा गया,
पहला सही है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी, ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी, ये भी सही है। तो तीनों करेक्ट है। ये मुझे आता नहीं है। और एक पजल और है यहाँ पर कहीं पर, ये इसको मैं बनाता हूँ। एट बॉक्सेज आर क्या वन अलावन अंडर इन स्टैक, ईच बॉक्स हैज डिफरेंट चॉकलेट्स, द बॉक्स विद मार्क्स मार्स इज कैप्ट थ्री बॉक्सेज बिलो जी, वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन जी एंड डी, द बॉक्स विद स्नीकर एंड ही आर कैप्ट एज इंडिविजुअल, थ्री बॉक्स बिलो जी। यहाँ मैं जी को लेता हूँ, वन टू थ्री, ये मार्स है, ये जी आ गया, वन टू थ्री ये मार्स है। एक और ले लेता हूँ मैं, ये मार्स आ गया, ठीक है। द ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन जी एंड डी, जी और ई के बीच में एक बॉक्स यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, दो बॉक्स में, और टोटल बॉक्स है आठ, ठीक है। द बॉक्स विद स्नीकर एंड ई आर कैप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, स्नीकर और ई जो है वो साथ में रखे हुए हैं, तो इसके पास में स्नीकर हो सकता है, इसके पास में स्नीकर हो सकता है, या फिर इसके पास में स्नीकर हो सकता है, तीन तीन छः सात। डी इज कैप्ट बिलो द बॉक्स विद स्नीकर, डी जो है वो स्नीकर के नीचे रखा हुआ है। द नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट बिटवीन डी एंड ई इज वन लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट बिटवीन जी एंड एल, विच इज नॉट कैप्ट एट द टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट, द बॉक्स विद डेली में कैप्ट टू बॉक्स बिलो एफ। सी हैज मिल्की बार एंड इज कैप्ट H is kept two boxes below F, C and Milky Bar is kept immediate below X, H is kept two boxes above box C, E does not have Kit Kat, B and the box with 5 star are kept adjacent to each other, the box with Kit Kat is not kept below B, the box with Sneaker E and are kept adjacent to each other, Sneaker or E, D is kept below the box with Sneaker. The number of box kept between D and E is one less than D or E के बीच में the box is one less than the number of box kept between G and F. F जो है वो टॉम बॉटम पे नहीं रुका। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ G और E को one less than G और F, दो ये भी नहीं जाए, टॉम पर नहीं जाए। यहाँ पर अगर मैं E को रखता हूँ तो G और E को D डी और ई के बीच में दो जन हो जाएंगे, सी और ई और एफ के बीच में तीन जन हो जाएंगे, द बॉक्स कंटेन डेली मिल्क कैप टू बॉक्सेस अबव एफ, डी को मैं यहाँ रख के देखता हूँ यहाँ पर, तो दो जने हो जाएंगे डी और ई के बीच में दो, तो जी और एफ के बीच में तीन जने हो जाएंगे, एक दो तीन, तीन तीन छः सात आठ, ये बस डी यहाँ नहीं आएगा। और डी को अगर यहाँ रखता हूँ तो एक दो तीन जने हो जाएंगे, तो ई और एफ के तो नहीं है, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा सोचो, ये देखते हैं। यहाँ पर लगेगा कि डी को स्नीकर के नीचे ही रखना है, तो डी को यहाँ रखना, तो डी और ई के बीच में जीरो, तो जी और एफ के बीच में एक जना हो जाएगा, तो जी और एफ के बीच में एक जना हो जाएगा। लिखा है कि द बॉक्स डेरी मिल्क कैप टू बॉक्सेज अबव एफ, एक दो ये डेरी मिल्क हो सकता है, एफ विच डजंट हैव मार्स, एफ मार्स पे नहीं रखा हुआ, ठीक है। एफ एंड डी आर नॉट कैप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, एफ और डी साथ में नहीं रखे हुए, ठीक है। एज मेनी बॉक्स कैप्ट अबव एफ एज बिलो ए, एक दो तीन छः, ये हो गए तीन तीन छः सात हो गया, अभी मैं एक दो सी डी ई एक देना। एज मेनी बॉक्स कैप्ट अबव एफ, एक दो तीन छः, ये सेकंड वाला तो मेरा ही आ गया, यहाँ दो है तो एक यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं। सी हैज मिल्की बार एंड इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विद मंच, सी के पास मिल्की बार है और वो मंच के इमीडिएटली बिलो रखा हुआ है, ये मंच आ गया। एच इज कैप्ट टू बॉक्सेस अबव सी, एच आ जाएगा यहाँ पे। ई डज नॉट हैव किट कैट, ई के पास किट कैट नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि किट कैट नहीं है। बी एंड द बॉक्स कंटेन फाइव स्टार आर कैप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये नहीं होगा, द बॉक्स विद किट कैट नॉट कैप्ट बिलो, हो गया गलत। अब इसको देखते हैं, द बॉक्स विच डेरिवेटिव इज कैप्ट टू बॉक्स इज बिलो एफ,
बी यहाँ आ सकता है क्या? बी अगर यहाँ आएगा तो जी, बी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो जी और एफ के बीच में एक जगह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि द बॉक्स विल डेरी मिल्क टू बॉक्सेज हुआ है, ये आ जाएगा डेरी मिल्क, तो 3 3 6 7 8 इसके बाद डेरी मिल गया। एफ और डी आर नॉट कैप रेजिस्टेंट टू ईच अदर एज मनी बॉक्स कैप्ट अबाउ एफ एज बिलो ए, 1 2 1 2 ये कंडीशन नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं बनेगी ये हिंदी मराठी ये भी नहीं बन रही है। तो फिर अब मैं बनाऊँ क्या बनाऊँ, ये क्या है, 1 is added to odd digit, तो odd के अंदर मुझे 1 add करना है, even के अंदर 1 subtract करना है। Which of the following yield the second highest result? है ना, add all the digits। अच्छा तो उसने पूछा कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, तो यार ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, ऑड में 1 ऐड करना है, तो 2 6 यहाँ देखिए 7 5 3 4 7 8 3 5 6 6 5 हो जाएगा 4 7 5 3 7 2 1 देगा 4 6 1 उठाना, तो 3 7 3 6 4 5 2 8 और 5 और 8 5 का मतलब हो गया एक कंपाउंड नंबर है, 2 5 6 7 4 5 8 7 2 1 3 तो ये 6 2 8 7 15 20 24 32 33 35 35 और 6 41 9 7 16 21 22 24 24 और 7 31 32 34 34 7 3 10 13 19 19 और 4 23 28 29 30 38 6 7 13 17 22 22 8 30 27 28 29 30 31 एक लास्ट में क्या है, 7 7 का मतलब है 8 8 7 4 5 2 7 और 1 8 8 16 16 7 23 27 32 33 34 34 और 8 42 तो अब मुझे क्या पूछा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड द रिजल्ट इज सेकंड हाईएस्ट, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट है सेकंड हाईएस्ट ये 41 है, मतलब पहला नंबर ये तो मैं करूँगा तो ठीक है, फिर इतना ही करते हैं, आप क्वांट करता हूँ, क्वांट में देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर है एक डी आई, उसके बाद में कुछ अर्थमेटिक है, ए बी कंप्लीट 20 ओवर 1500 एंड बी रिसीव इतना रुपया, टोटल वेट पेड टू ए एंड बी फॉर कंप्लीट ओवर 1500, बी ने मिले 600 रुपये, तो ए पर बी 1500 का वेस्ट था तो बी को मिला 9, ए को मिलेगा 6, 3 और 2 और 3 ये इनकी एफिशिएंसी है। इफ ए एंड बी टुगेदर टेक 12 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क, 3 और 2 5 12 60, तो ए को कितना टाइम लगेगा अलोन, 30 दिन, ये तो इजी था, इसको बनते हैं आगे, ये एज वाला था। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, 60% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 90% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी, 60% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू द 90% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो ए अपॉन सी बराबर 3/2 ए सी 3x 2x एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी बिफोर 5 ईयर इज 35 ईयर, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज सी
ए और सी का जो प्रेजेंट एज का जो सम है वो इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज का ट्वाइस है। तो मैं क्या करता हूँ इसको डबल कर देता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 6 4 10 हो जाएगा, तो बी की एज हो जाएगी 5x। सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले 9x माइनस 5 साल 5 साल 10 साल 35 साल था, तो 9x बराबर 45, x बराबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का गैप है एक का ही है, तो 5 आ जाएगा। इसको मैं करूँगा बाद में। यहाँ पर है गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 5 डिफरेंट सिटीज ए बी सी डी, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी इज दिस। बस ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 5 सिटीज टुगेदर 5000, ए बी सी डी ई 50, ये टोटल है। तो ये है कितना है 20 30, 20 30 25 10 और 15, 5 में 10 हज़ार, 5 3 1500, 25 में 125, 500 75। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी ए बी डी टुगेदर, ए बी डी 20 और 30 50 60, एवरेज लेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 में 10 1000। टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल लिविंग मेल प्लस फीमेल इन सिटी बी, और छोटा है क्या कोई, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ सिटी ई, तो ई के अंदर है 15, 20% का मतलब होता है एंड द रेशियो ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट पीपल इन एफ इज दिस, 400 500। द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल लिविंग इन सिटी एफ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डी, 500 का 4/5 80% हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी सी एंड डी टुगेदर, सी और डी के अंदर 35 लोग रहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी ए 20 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, 15 5 75 लोग रहते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टी इन सिटी ए एंड बी इज दिस, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी इन सिटी ए एंड बी इज दिस, पीपल हु लाइक बोथ। तो ए और बी, ये ए है ये बी है, ये है कॉफी टी, कॉफी टी। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टी इन सिटी ए टू सिटी बी 4/5, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी इन सिटी ए और सिटी बी। अच्छा ऐसे है क्या, बोथ कॉफी एंड टी इन सिटी ए एंड बी इज लेस देन फाइनल, दो ही क्वेश्चन हो गया। टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल लिविंग इन सिटी बी इज 855, और टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी डी, तो बी के अंदर जो है टोटल ये है, तो 800 लोग जो है वो बी के अंदर लिटरेट है। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल लिटरेट इलिटरेट पीपल लिविंग इन सिटी बी इज दिस 4/3, तो इलिटरेट कितना हो जाएंगे 700 हो जाएंगे। इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, मेल और 4 और 3 7, ये 400 ये 300। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल लिविंग इन सिटी बी इफ द, और यहाँ पर मेल और फीमेल में क्या हो जाएगा, लिटरेट है नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल लिविंग इन सिटी बी इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल लिविंग इन सिटी बी इज 80 मोर देन द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल लिविंग इन सिटी बी। इलिटरेट मेल से 80 ज़्यादा है, ये 480 है, तो ये 320 हो जाएगी, तो टोटल फीमेल कितनी हो जाएगी, 620 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, थोड़े से सिंप्लीफिकेशन है, 300 और 31.25, 31.25 बटे हुए 100 × 3, तो 25 × 100, 1 मिनट, यहाँ क्या है,
100, 25, 400, 25 एकम 25, 62, 25 एकम 25, 125, 115 इंटू 3, 34, 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
चार चौ चौबीस ले लेता हूँ, 86 ले लेता हूँ यहाँ से। ये है 14% ऑफ 250, 14 × 5 बटे 2, 7 × 5 35, 11 × 12 हो गया। इसमें मुझे ये 10% को ऑफ 110, 11, 2, 132 आ रहे हैं, 132। यहाँ कुछ है 300 × 100 × 31, 25 अपॉन 100, इसको 99 3 से करते हैं, उसको 5 × 3 15 बार से लगे 3 × 6 = 7 3, तो 93.75, तो 35 93 को 94 ले लेता हूँ, 9 12 11, इसमें मुझे 11 जोड़ना है तो 140 आ रहा है, ये 139 है, 58 पॉइंट, तो ये 59 58 ये इंटू 2 माउंटिंग सोना था तो बांधे बस में 11 माइनस परसेंट ऑफ 120, इसको मैं 25% ऑफ 120 ले लेता हूँ, मैं को लेने 30 हो जाएगा, 46 तो माइनस है 6 8 आ जाएगा, इसमें मुझे 35% ऑफ 420, 35 का मतलब 7/20 420 21 सत्ते 147 233 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 को, 3 × 9 = 699 क्या कहीं है तो सही, 2 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस ये क्या है 5 × 12 = 60 87 में मुझे 26 × 3 = 78 8 7 15 16 165, इसमें मुझे जोड़ना है 15 × 2 1.5 15 × 2 2 15 30 5 9 1 14 आ जाएगी, 14 1, यह है 15 × 15/10 15 × 2 = 22 5 × 2 = 7 6 × 2 = 8 187 का मतलब 13 लगा देता हूँ, देखा जाएगा जो है 380 / 90 तो यह आ जाएगा 20, 20 में मुझे जोड़ना है 17 37 हो गया बराबर x माइनस ये क्या है 175/3 3 × 2 = 174 3 × 2 = 28 8 × 8 = 15 95 यहाँ पर है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 6 का स्क्वायर 36 14 6 8 2, इसमें मुझे 7 का भाग देना है तो 4 आ जाएगा प्लस x बराबर 9 × 3 = 27 तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 23। वेसल कंटेन 180 लीटर कंटेन वाटर प्रोड्यूस एंड 60 लीटर मिक्सर स्टेशन क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 60 लीटर फाइव हंड्रेड एंड 180 लीटर मिल्किन वाटर 60 लीटर मिक्सर इज टेकन आउट, तो इसको या तो वैल्यू रख के करता हूँ मैं, 5 रख के करता हूँ, 5 और 3 8, 8 से करूँगा तो 8 × 16 कट नहीं हो रहा है, इसको जोड़ता हूँ, 2 रख के देखता हूँ, 2 × 3 = 5, 5 से करूँगा तो 36, 36 दिया 108 और 36 × 72, इसमें से 60 लीटर नीचे निकालना है तो 12 दिया 36 और 12 में 24,
लीटर वाटर इज एडेड एंड टी 12 लीटर का वाटर मैंने ऐड किया इसके अंदर, तो 12 ऐड करूँगा तो 12 ही माइनस होगा, यह आ जाएगा 60, आठ में से गया 2, 72। फाइंड देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 60 लीटर, बन गई 60 लीटर, सेकंड करेक्ट। द बोट कवर एक्स किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 12 आवर, इतना इन स्ट्रीम 23 आवर, ऑल्सो कवर इतना डाउन स्ट्रीम इतना आवर, स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर, इसको छोड़ता हूँ। और क्या क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड कावा हॉस्पिटल, कापली हॉस्पिटल, सोनिया हॉस्पिटल, तो ये तो ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, एक मिनट इसको मैं खोल देता हूँ, मेरे को वैल्यूज लिखनी है। 2014, 15, 16, 17, 18 गावा हॉस्पिटल, कपिल हॉस्पिटल और संतोष हॉस्पिटल, कपिल संतोष टोटल। तो सबसे पहले 14 में तो 40,000 है, 4,000 है, 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार में 5 है, तो एक वैल्यू 200 की रहेगी, 2, 2, 4, 2, 6, 3600, और ये 10 हो गया, ये 24 और ये है 60। कपिल में हो जाएगा 32, 48 और ये 22, 20, 46 संतोष का मतलब हो गया 28, 20, 42 और ये कितना है 16, ठीक है 50। 8, 2, 10 का दिन आज लगे, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, 8 से 14 का 4 आज लगी, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 10 और 2, 2, 4, 4, 2, 6, 1, 7, 6, 4, 10 का दिन आज लगी, 1, 2, 4, 5, 1, 6 और 6, 10, 5, 6, 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
इन 2014-16-18 एक्चुअली वर एडमिटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल एडमिटेड इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट में 14, 16 और 18 में से एडमिटेड हुए, तो 20% का मतलब हो गया 800 यहाँ से हो गए, 40% मतलब 400 यहाँ से हो गए, तो 1200 लोग तो यहीं से हो गए, लेकिन टोटल है 31-20। तो 20 11 में से हो गया 9, 2 में से गया 1, 1920। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें से कितना होगा 1920 डिवाइड बाई 60, जाएगा 6×6=12, 6×3=18, 6×12=32% आ जाएगा। है क्या ऑप्शन? यस। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड गावा एंड संतोष हॉस्पिटल 2014। गावा और संतोष, गावा और संतोष 8 और 6 इन द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड कपिल हॉस्पिटल इन 15 और 16। कपिल हॉस्पिटल 15 और 16 में 0, 70, 68, 70, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 34। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड कपिल हॉस्पिटल इन 2018 टू द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड गावा हॉस्पिटल इन 2018 इज दिस क्या? अच्छा, एंड द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड गावा हॉस्पिटल 2018 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड कपिल हॉस्पिटल इन 2018, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड ऑल द 3 गिवन हॉस्पिटल इन 2019। 60% ऑफ पीपल वर अफेक्टेड कोविड-19। 19 कहाँ से आ गया? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड ऑल द 3 गिवन हॉस्पिटल इन 2019, 60% पीपल वर अफेक्टेड कोविड एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय कोविड हु विजिटेड गावा टू कपिल हॉस्पिटल इन 2019 इज दिस, एंड इतना ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड संतोष हॉस्पिटल 2019 वर अफेक्टेड एंड द नंबर ऑफ कोविड अफेक्टेड पीपल विजिटेड कपिल हॉस्पिटल। 19 कहाँ से आ गया बीच में? तो है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड ऑल द गिवन हॉस्पिटल 19। इफ द डॉक्टर ट्रीटेड एक्स पेशेंट एंड इतना पेशेंट
इन कपिल हॉस्पिटल 2016 एंड इतना रिस्पेक्टिवली एंड द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इन कपिल हॉस्पिटल 2016 फेलो एक्स ईच डॉक्टर ट्रीटेड एक्स पेशेंट एंड एक्स माइनस वन पेशेंट इन कपिल हॉस्पिटल इन 2016 और 2017 में यहाँ 2200 हैं और इसमें 2000 है ईच डॉक्टर ट्रीटेड एक्स पेशेंट तो दोनों मिलाकर के 4 है कपिल हॉस्पिटल में एक्स रोगियों और एक्स माइनस वन रोगियों का इलाज किया जाता है और 2016 और 2017 में एवरी डॉक्टर इसमें नाम आ गया ये डॉक्टर ए एक्स और एक्स माइनस वन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल हू विजिटेड कपिल हॉस्पिटल इन 2018 टू द नंबर ऑफ फीमेल हू विजिटेड गावा हॉस्पिटल इन 2018 कपिल हॉस्पिटल में 4600 लोग हैं और गावा हॉस्पिटल 2018 में 6000 लोग हैं टू द नंबर ऑफ फीमेल हू विजिटेड गावा हॉस्पिटल इन 2018 इस 6:5 यहाँ मेल फीमेल है कपिल हॉस्पिटल ये कपिल हॉस्पिटल है नहीं गावा हॉस्पिटल तो ये 6x और 5x एंड द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड गावा हॉस्पिटल इन 2018 इज 1000 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड कपिल हॉस्पिटल इन 2018 यानी कि यहाँ पर 6x प्लस 1000 है तो यहाँ 11x प्लस 1000 = 6000 तो 11x = 5900 5000 हो जाएगा 1000 हो जाएगा हॉस्पिटल फीमेल नंबर ऑफ मेल विजिटेड कपिल हॉस्पिटल 2018 यहाँ पर ये मेल है और यहाँ पर टू नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड गावा हॉस्पिटल इन 2018 एंड द नंबर ऑफ मेल विजिटेड गावा हॉस्पिटल इन 2018 इज 1000 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड कपिल हॉस्पिटल यहाँ मैंने मान लिया वाई है तो ये वाई प्लस 1000 हो जाएगा 6x + y = 4600 और 5x + y = 5000 माइनस 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 गायब हो गया x बराबर ठीक है 5x + y कपिल हॉस्पिटल इन द नंबर ऑफ मेल विजिटेड गावा हॉस्पिटल में बोलते हैं मुझे 1000 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड दिया 5x + y तो यहाँ एक्स की वैल्यू 400 आती है 6×24 इसमें काम गड़बड़ हो गई है कपिल हॉस्पिटल में 46 गांव हॉस्पिटल में 2018 में 6000 रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल विजिटेड कपिल हॉस्पिटल में 2018 6x टू द फीमेल विजिटेड गांव हॉस्पिटल में 2018 6 5x एंड द नंबर ऑफ मेल विजिटेड गांव हॉस्पिटल इन 2018 1000 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड कपिल हॉस्पिटल इन 2018 देन द फाइनल सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड गांव एंड कपिल हॉस्पिटल इन 2018 फीमेल जो है वो ये वाली और ये वाली तो 5x और y का जो टोटल है वो 5000 मिल ही रहा है ना डायरेक्ट हाँ ये बढ़िया हो गया इसको छोड़ते हैं चलो ये रहा प्लस 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 91 13 70 91 221 × 10 नहीं 15 × 14 29 हो जाएगा ये वैल्यू 1 से बड़ी है ये वैल्यू बड़ी है तो y बड़ा रहेगा यहाँ पर फिर प्लस 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 लेकिन वो छोटी हो जाएगी नो रिलेशन हो जाएगा 3x + 5y = 34
6x माइनस 3y बराबर 3। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 4 से कर देता हूँ, इसको 2 से कर देता हूँ, तो 12x, नहीं इसको 3 से कर देता हूँ, इसको 5 से कर देता हूँ। 3 3 9x प्लस 15y बराबर 4 3 12 5 3 9 10। और 5 30x माइनस 15y बराबर 3 15, ठीक है 39x बराबर 5 और 2 7 1 1। तो ये 3 बार चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। एक्स अगर 3 है, 3 3 9, 9 यहाँ पे जाके कटेगा तो ये हो जाएगा 25, वाई आ जाएगा 5, वाई बड़ा हो जाएगा। ये है यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस, 3 6 6 12, 126। 126 का मतलब है 21 × 6, और 56 का मतलब है 8 और 7 26, 28 × 56। नीचे 2 से करना पड़ेगा, ये 56 और ये 4 हो जाएगा। ये वैल्यू इन दोनों से बड़ी है, ये वैल्यू भी इन दोनों से बड़ी है, एक्स बड़ा रहेगा यहाँ पे। फिर से प्लस 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 114, 23 13 × 8, नहीं 13 ठीक, 104, 114 है ना, 19 × 19 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 दूना 38 होता है ना, तो ये वैल्यू कौन से बड़ी है, ये वैल्यू बराबर बड़ी, वाई पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम तो बच रहा है। स्टूडेंट और बॉय इन स्कूल भी नंबर उस बॉय से कर, गर्ल्स इन स्कूल भी नंबर बॉय इन स्कूल इस तो कर दूंगी नंबर भी मैंने बोला नंबर स्टूडेंट इन स्कूल इस तो गर्ल्स इन स्कूल ये भी इस दिस, तो ए स्कूल है ये भी स्कूल, बॉय गर्ल बॉय गर्ल इन स्कूल ए 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड 100 एक्स स्टूडेंट है, वहाँ पर 100 वाई है, 60x बॉयज है 40x गर्ल्स है। स्कूल बी द नंबर ऑफ बॉयज आर 15% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, स्कूल ए ये गर्ल्स हैं इससे 15% ज़्यादा है, 20 6 ज़्यादा है, 46x है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज तो ये हो जाएगा 100y माइनस 46x, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 34 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, अब इन दोनों का गैप 34 है। ठीक है, स्कूल ए 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड 60% ऑफ 3x 2x द नंबर ऑफ बॉयज इज बी में नंबर ऑफ बॉयज 15% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, 15% ज्यादा 2x 2x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 34 more than that of the number of girls in school B. Boys 34 more than. If you find the total number of students in school A, the total number of girls in school A and B is this. A and B one girls. So 2x plus 3 is the new x upon B. A B B 3 is plus. B is the new 40. 40 का मतलब 86x बराबर 310 इंटू 20, तो दो से काट दो, दो पंजे पाँच, चार पंजे 20, दो से काट दो 10 पर जाएगा, दो छः काट दो 36। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज समवेयर 3 ईयर एट 20% कंपाउंड इज फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर आर अपॉन 100 प्लस 3 होता है ना, तो रेट ऑफ स्क्वायर फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दैट इज अबाउट 3 ईयर इज दिस इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सिंपल इंटरेस्ट 768 बराबर पी इंटू रेट का स्क्वायर हुआ 400 सौ इंटू सौ इंटू 20 बटे हुए 100 बटे 5
प्लस तीन आते बंदे 16 बटे 5, 2 0 से 2 0 कट, 16 2 16 2 16 64, 128, 16 128, 25 28 200 का जीरो आंसर लगे 2, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 48 × 25 × 5। इसको मिले इंटरेस्ट ऑप्टेन बाय सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 20% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 5 5 से 5 गायब हो गया, तो 8 3 24 का जमा कर लगी 2 4 3 12 13 14 × 25, 25 400 का जीरो आंसर लगे 10, 25 400 का 124 का जीरो लगे 25 25 35 36। Here the entry of the participant in investment in the ratio of art and math, no, and after 6 months, A left the business and C joined the business. A है, B है, C है. A arts, no. 6 महीने तक ही रहा. A left the business and C joined with the business and the investment of 25% more than A. 25% हो जाएगा 2, 10 से आगे. At the end of the year, ये 6 साल के लिए रहा, ये 12 के लिए रहा. 2 आ जाएगा. 2 से काटूंगा ये 5 आ जाएगा, ये 4 4 9 5, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन 4500, तो 9 और 5 5 4 8 ऑब्टेन। एक मिनट, आफ्टर 6 मंथ ये लेफ्ट द बिजनेस ही जाने डिजिट का टोटल है, तो 6 और 2 8 जुड़ेगा, 62 और 8 70, ठीक है। 50 100 105 110 × 2 + 5 × 2 + 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 215 × 2 = 430। ये हाफ है इंटू 1.5 × 0.5 × 1.9, ये हाफ है इसका, तो ये क्या है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, −3 − 6 − 2 − 1 × 1, ये क्या है 2.4, 4/6, 2/3, ये 1/2 है, 2/3 है, इसके बाद 3/4 है, हाँ 3/4 है, इसके बाद 4/5 है, इसके बाद 5/6 है, यानी कि 2.4 × 5/6, ये 10 × 5 = 10, 6 × 12 = 24, 2 आना चाहिए, 1 2 6 10 और ये तो 0 1 2 3 2, तो ये तो लास्ट में तो × 11 है, ये तो × 11 है, ये है × 1, ये है × 3,
अब ये 5 और 7 हो गया है, इसका बंधु 30, 30 सत्ते 21, 5, 7, 10, 20, 35, ये 2 का गैप है, 3 का गैप है, 5 का गैप है, 15 का गैप कहाँ से आ गया? 15 नहीं, ये 2 का गैप है, ये 3 का गैप है, ये 10 का गैप है, फिर ये 15 का गैप है। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 10, 20, 35, 5, 7, 10, 20, 15, 1, 7, 5, ये समझ गया। तो यहाँ पर मैं डीआई बना लेता हूँ 1, उसके बाद में 4 मिनट बचे, 4 मिनट में मैं डीआई बना लेता हूँ, इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ लिखने के लिए। तो ये मुझे कुछ वैल्यू दी हुई है 2019 और 20 की, शॉप ए बी सी, ए बी सी डी ई, 19, 20, ये टोटल। तो शॉप ए जो है वो 19 का जो हल्का वाला है, 19 का मतलब है 7,040, और ये इतना 45, ये है मिडल, ये ना ये 63, और ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 42, और ये डार्क वाला है 35, 35, और ये है 64, ये है 28, ये है 38, और ये है 30। तो ये है 5, 105, ये 104, 8, 5, 13, 13, 13, 14, 4, 7, 8, 5, 11, 13, 13, 14, 1, 10, 72, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लिखी, फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड इन 2019 एंड 2020 इन ऑल शैम्पूज टुगेदर। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस का सम निकालना है, मैं डिफरेंस लेता हूँ पहले, 35, ये क्या है 4, 24, 15 में से 8 गए 7, 1, ये है 15 में से 8 गए 7, 2, 30, 40, 12 हो गए, 7 में 14, 6, 20 और 5, 25 का 5 लगा 2, 3 तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 115 है क्या कहीं पे? यस, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड, अच्छा शैम्पू पैकेट है, शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप डी इन 2019 टू 2020, डी के अगर 2019 की बात करें तो इतने हैं और यहाँ 3800 है। डैमेज जो है वो, तो यहाँ डैमेज और नॉन डैमेज है, डैमेज और नॉन डैमेज, डैमेज 4x और 3x, ये डैमेज है दोनों के, एंड द नंबर ऑफ अनडैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप डी इन 2019-20 टुगेदर इज 3300। अच्छा, मतलब ये अगर मैं वाई लेता हूँ तो ये 3300 माइनस 5 हो जाएगा। द नंबर ऑफ अनडैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय डी इन 2019, ठीक, तो ये हो जाएगा 4x + y = 6500, और ये हो जाएगा 3x - y = 500, ये हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा 7x = 7000, x = 1000, अगर x 1000 है तो ये 4000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, ये 4000 है तो ये 2500 हो जाएगा, और ये अगर 3000 है तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 3800। तो अब द नंबर ऑफ अनडैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप डी, अनडैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप डी, डी ए नहीं, द नंबर ऑफ अनडैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप डी इन 2020, 2020 के अंदर अनडैमेज्ड नॉन डैमेज्ड 800 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ डैमेज शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप डी इन 2019, 4000, 20% है, 200% है, 4000 है ना, तो 840 आएगा यहाँ पर, तो एक ही हो जाएगा 20% आएगा, 20%। द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाई शॉप एफ इन 2019 इज एक्स, एफ ने 2019 में एक्स पैकेट भेजे,
एंड द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय एफ इन 19 मैक्स बेसिस, सॉरी एफ इन 2020 इज 800 लेस देन द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप सी इन 2020। सी ने 2020 में बेचे 2800, इससे 800 कम यानी 2020। इफ द टोटल नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप एफ इन 2019-20 टुगेदर इज 14x/9, अच्छा टोटल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप एफ टू टोटल ए और बी इन बोथ टुगेदर। ए ने बोथ में बेचे 10,500, तो ये बराबर होगा x प्लस 2000 के, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 5x/9 बराबर 2000, 5×20 x बराबर 9×36। तो टोटल ही पूछा गया उसने, टोटल नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट होगा एफ, तो एफ के टोटल हो जाएंगे 14×3600, नीचे 9 रहेगा, यहाँ 00 इस 9 को मैं इधर भगा देता हूँ, 9×36600, 2 0 से 2 0 आया, 14 से जाएगा ये 14 से तो नहीं जाएगा, 14×56 और 105, 56 और 105, ये क्या हो रहा है, 19-20 टुगेदर इज 14x/9, जिसमें से x जो है वो 2019 के थे और 800 लेस देन दो शैम्पू सोल्ड सी इन 2020, 2800 से 2000 हो गए, तो x और 2000 बराबर ये हो गया, ये इधर आया 9x माइनस होगा 14 में से 9 हो गया 5x/9 बराबर 5×20 9×36, एक्स की वैल्यू आ गई 3600, 3600 डिवाइड बाई 9, अगर मैं 9 करूँ तो 9×36 ये आ जाएगा 1520, 2 चला जाएगा, 7 × 7 = 35, 7 × 2 = 14, 8 × 8 = 15 आएगा, फिर 8 × 15 है क्या, 8 × 5 है 15 नहीं, कहाँ गड़बड़ हो रही है, शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय ए इन बोथ ए और 1920 टुगेदर, तो ए ने 7,000 और 10,500 ही तो है टोटल, ए के अंदर 8 × 15 आ रहा है, मैं ऑप्शन नंबर लगाऊंगा ई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप सी एंड डी 2021 इज 3:4, सी और डी ने, इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय सी एंड डी इन 2022 इज इतना, तो इसको छोड़ता हूँ मैं, पढ़ाई आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय ए इन 2019 एक्स परसेंटेज ऑफ देम 10 रुपये में, इन द रिमेनिंग जो है वो 5 रुपये में है, विच इज 2800, 7,000 में से 0.02 तो ये हो गया 2800, इसको बेचा 10 रुपये में, इसको बेचा 5 रुपये में, इफ द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप इन इतना इज इतना ही इतना मोर देन दैट इन 2019 देन फाइंड द नंबर ऑफ शैम्पू पैकेट सोल्ड बाय शॉप इन 2020, चलो इसको छोड़ते हैं, इतना ही है फिर बाकी रीजनिंग उसके लिए भी टाइम लगाना छोड़ना पड़ेगा, तो इतना ही हुआ मेरा, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट, तो अरे इसको मैं करता हूँ सबमिट, 7 मिनट मैंने छोड़ दिए, उसमें मैं 10-15 जीए के क्वेश्चन बना लूँगा, तो देखते हैं क्या रहा रिजल्ट, तो ये है रिजल्ट अपना, तो ये काफी सही पेपर था मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो पहला पेपर मैंने लगाया था उसमें मेरे कितने नंबर आए थे, 70-72 नंबर आए थे शायद, उसकी गणित को मैथ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन इसकी क्वांट काफ़ी इजी लगी मुझे, रीजनिंग थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी बट क्वांट बहुत अच्छी थी, बहुत ईजी थी, और देख लेते हैं कैसा रहा स्कोर, तो यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में मैंने 13 मिनट लगाया और 14.28 मार्क्स है, हिंदी के अंदर 5 क्वेश्चन गलत हुए
27.75 है, इसमें मैंने 22 मिनट लगाए। जी के मैंने नहीं करी और क्वांट के अंदर मैंने 40 मिनट लगाया और दो क्वेश्चन गलत हुए, 29 अटेम्प्ट किया, 33.13 मार्क्स आया। रीजनिंग के अंदर 22 क्वेश्चन किया, 26 मार्क्स है, 38 मिनट मैंने इसमें लिए थे। और अगर यहाँ देखें कि कैसा रहा तो अभी देखते हैं, तो ये है यहाँ पर 7,000 लोगों ने टेस्ट दिया है और 101 मेरा स्कोर है। बाकी अब मैं इसको करूँगा, देखूँगा कौन कौन से गलत हुए, क्या हुआ है। बाकी आप लोग ने लगाया तो आप भी बताना, इसको लगाना आप ज़रूर, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है। 101 नंबर आ रहे हैं और जीके बिना जीके के हैं, जीके और कर लूँगा। अगर 5-10 नंबर की जीके भी हो जाती है तो 110 नंबर, 115 नंबर, ठीक है, बाकी देखते हैं। सो ये रहा मेरा स्कोर और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। बाकी थैंक यू।